दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय आपका अपने होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है सीना क्या है और इसका होम्योपैथी में उपयोग। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो के बारे में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सीना क्या है? होम्योपैथिक औषधि सीना माटिमा, जिसे हम एटमीसिया माटिमा भी कहते हैं, नामक पौधे के अप्रत्याशित फूलों से बनी हुई औषधि है। ये पौधे फूल देने वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम कंपोजिटिया कहते हैं। इन पौधों के फूलों के सिरों को पोटेंटाइज करके इस औषधि का निर्माण किया जाता है। पोटेंटाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे कि होम्योपैथिक औषधियाँ बनाई जाती हैं। सीना सेंटोनाइन का स्रोत होता है, जिससे कि हम पहले के समय में शरीर से कीटाणुओं को निष्काशित करने के लिए उपयोग करते थे, परंतु होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल कीटाणु के निष्काशित करने के सिवा और भी चीज़ों के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बच्चों में चिड़चिड़ापन, दांत का किटकिटाना, बिस्तर पर पेशाब करना, कीड़ी पड़ना इत्यादि जैसे समस्याओं में किया जाता है। सीना कॉन्स्टिट्यूशन। सीना आमतौर पर बच्चों के उपचार के लिए होता है। ये चिड़चिड़े बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इसके अलावा ये दवाई उन बच्चों में भी खास कर दी जाती है जिसमें निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जैसे कि दांत का किटकिटाना, गूदे में खुजली होना, बिस्तर पर पेशाब करना, सोने में दिक्कत होना इत्यादि। होम्योपैथी मेडिसिन में सीना की भूमिका। होम्योपैथी में सीना की भूमिका निम्नलिखित दिक्कतों में सहायक होती है: दांत संबंधी परेशानियाँ, मस्तिष्क संबंधी परेशानियाँ, नाक की समस्या, GIT, खांसी, जुकाम, पेशाब में परेशानी, सोने की समस्या इत्यादि। आइए अब जानते हैं मात्रा। सीना को हम 30C या 200C तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में हमें इसे 30C तक देने में एक या दो बार दे सकते हैं। अगर हम इसे 200C में देते हैं तो एक बार ही देंगे, दोहराएंगे नहीं, तथा इसे इस्तेमाल करने से पहले लेबल पर लिखी जानकारी पढ़ लें अथवा किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप और किन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।